हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनएकेडमी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का अनएकेडमी यूजीसी नेट में। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपका। आज हम जो एनवायरनमेंट के मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करेंगे, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिजीजेस, यानी बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से होने वाले डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस कौन सी हैं, और इस बार न्यूज़ में कौन सी डिजीज़ है जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट ईयर भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे डिजीजेस से, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी का भी यही ट्रेंड है कि आपको डिजीजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में, यानी कि यूनिट 9 से। यूनिट 9 का जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपका यूनिट है उससे आपके डिजीजेस से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से तैयार करना बहुत जरूरी है। तो आज हम ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं उन सबको कवर करेंगे, साथ में आपके 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो भी हम इसमें करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन हैं जो हम करेंगे जो कि किससे रिलेटेड हैं, आपके डिजीजेस से रिलेटेड है। स्टार्टिंग में कुछ थ्योरिटिकल पोर्शन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में गाइस आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन जो भी आप लेना चाहें उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये आपके प्लस के प्लान हैं या आपके आइकॉनिक के प्लान हैं। 24 मंथ, 12 मंथ और 6 मंथ के बेस्ट प्लान हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड आपको लगाना है शिव10, और अभी आपकी जो डेट है वो 29 तक एक्सटेंड हो चुकी है। यानी जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं, अगर आप 29 से पहले लेते हैं तो 20% सब्सक्रिप्शन ऑफ है, जितने भी सब्सक्रिप्शन है उन सब पे आपको मिलेगा। बस आपको कोड यूज़ करना है शिव10, इस कोड को आप यूज़ करेंगे तो तुरंत आपको डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। इसके अलावा ये बेनिफिट्स हैं जो आपको प्लस एंड आइकोनिक में मिलते हैं। ज़्यादा फायदा आइकोनिक में है क्योंकि पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशन, ये सब आपको मिलता है आइकोनिक में। टेलीग्राम चैनल है जहां से आप जुड़ सकते हैं फॉर द रेगुलर अपडेट्स। आज आपकी स्पेशल क्लास है गाइस 4 बजे, तो सब लोग 4 PM पे स्पेशल क्लास में भी जुड़ेंगे, जिसमें हम पेपर 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो करने वाले, और फिर 9 बजे आपका प्लस कोर्स होगा। आप सब लोग इन क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे अटेंड करें। चलिए तो शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार सब लोग थोड़ा सा लाइक और शेयर करें जिससे बाकी लोग भी हमसे जुड़ पाएं। जल्दी जल्दी एक बार शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप्स हैं। चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिसलेनियस टॉपिक है यूनिट 9 का, यानी कि पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को अभी हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। और ह्यूमन डिजीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगीज एंड प्रोटोजोआस, इनके द्वारा डिफरेंट डिफरेंट जो डिजीज होती हैं, विभिन्न विभिन्न जो मानव रोग होते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। देखो पहले थ्योरी करेंगे और फिर आपका जो प्रैक्टिस सेशन है वो, इनकी 20 क्वेश्चन है जो हमें टोटल करने हैं प्रैक्टिस सेशन, 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन है और कुछ थ्योरिटिकल पोर्शन है, जिससे कि पूरा कंप्लीट टॉपिक आपका इसमें कवर हो। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो हम शुरुआत करते हैं आपकी कोविड से, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो पहला तो देखो कोविड वाला आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कोविड का। तो सबसे पहले तो देखो कोविड जो है वो क्या है, एक पेंडेमिक है। वैश्विक महामारी क्या है? वैश्विक महामारी, इसको जरूर याद रखना है कि पेंडेमिक क्या है, एक वैश्विक महामारी है। अब एक लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था 2021 का जो क्वेश्चन था वो देखो एक तो इसी से था कि पेंडेमिक और एपिडेमिक में क्या डिफरेंस है, पेंडेमिक वर्सेस एपिडेमिक, एक प्रश्न तो आपका यहीं से पूछ लिया गया था कि पेंडेमिक और एपिडेमिक में क्या डिफरेंस है। तो देखो पेंडेमिक और एपिडेमिक का जो डिफरेंस है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये देखो पेंडेमिक है वो पूरे ग्लोबल होता है, मतलब बहुत सारे कॉन्टिनेंट में या बहुत सारे देशों में फैला होता है पेंडेमिक। अगर एपिडेमिक की बात करूं तो ये कुछ क्षेत्रों में, मतलब ये रीजनल है, तो इसका जो एरिया है वो लार्ज होता है, कई देशों तक होता है,
और इसका एरिया है कुछ कम्युनिटीज या कुछ रीजन्स तक ही सीमित होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है आपका पेंडेमिक और एपिडेमिक, पहली चीज तो ये पता। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्ट्रेन है ह्यूमन कोरोना वायरस के, कोविड है उसके कौन कौन से स्ट्रेन होते हैं। तो टोटल इसमें देखो 7 स्ट्रेन आपके दिए गए हैं एवरीवन, तो उसको जरूर याद रखना है एवरीवन। उसके बाद में देखो ये जो कोविड है ये एक जूनोटिक डिजीज है, तो आज मैं आपको 2 जूनोटिक डिजीज के बारे में पढ़ाना चाहूंगा जो इस बार के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो देखो कोविड है, ये भी आपका एक जूनोटिक डिजीज है, और एक हम पढ़ेंगे आज मंकी पॉक्स के बारे में। तो मंकी पॉक्स है ये भी आपका क्या है, एक जूनोटिक डिजीज। मंकी पॉक्स का आपने न्यूज में सुना होगा, ये भी एक कोविड की तरह ही आपका एक बीमारी है जो आपकी पेंडेमिक हो चुकी है लगभग 75 कंट्रीज में ये फैल चुका है और बहुत तेजी से ये फैल रहा है आपका मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स एंड आपका कोविड, ये दोनों के दोनों क्या है आपके जूनोटिक डिजीज, ये दोनों के दोनों क्या है आपके जूनोटिक डिजीज। अब जूनोटिक डिजीज क्या होती है ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जूनोटिक डिजीज वो होती है जो एनिमल से ह्यूमन में फैलती है। क्लियर एवरीवन, जूनोटिक डिजीज। कैसे फैलती है, एनिमल से और ह्यूमन में जब फैलती है, यानी जानवरों से और मानव में जब जाती है, तो उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछ लेगा कि जूनोटिक डिजीज के उदाहरण देके बताओ। तो देखिए तो कोविड है आपका, कोविड और दूसरा मंकी पॉक्स, अभी जो लेटेस्ट आपकी डिजीज है आपकी, और भी बहुत सारी है लेकिन एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोविड का देखो सब लोग बोलते हैं कि ये बैट से आई थी आपकी और फिर ह्यूमन में गई, ऐसा ही बोलते हैं। मंकी पॉक्स इसका नाम ही देखो मंकी से है, तो मंकी से फिर आपका ह्यूमन में गया है, मंकी से ह्यूमन में गया है। तो देखो ये टर्म है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जूनोटिक डिजीज क्या होती है। जैसे हमने जैसे बैक्टीरिया वायरस ये सब पढ़ते हैं, तो एक टर्म ये भी आता है कि जूनोटिक डिजीज से आप क्या समझते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एनिमल से जब ह्यूमन में जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। जैसे कोविड-19 ये बैट से कहाँ गया है, ह्यूमन में गया है, और मंकी पॉक्स मंकी से ह्यूमन में गया है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रख लीजिए, है ना। बाकी आप सबको कोविड के बारे में ये इंफॉर्मेशन पता ही है कि इसका नोवेल कोरोना वायरस बोलते हैं अपन, है ना, सार्स और MERS, ये इसके दो इंफॉर्मेशन घटक है, इसको याद रखना है ना। इसके आपकी स्ट्रेन है आपकी बेसिकली, कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको पता ही है चाइना, है ना, SARS का चाइना है, MERS का सऊदी अरेबिया है। होस्ट जैसा कि मैंने बताया कि जूनोटिक डिजीज है तो बैट्स, दोनों का बैट्स है आपका, तो इसको जरूर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। Now, अब देखिए, अब मैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनमें कौन कौन सी डिजीज ज्यादातर आपसे पूछी गई हैं उनको एक बार रिवाइज कर रहे हैं। और देखो ये फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, फॉर ऑल एग्जाम्स, जितने भी आपके एग्जाम हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट सेशन है आपका, तो बाकी और एग्जाम दे रहे हैं वहां भी आपका काम आएगा। तो एक तो देखो कोलेरा का नाम आपने सुना, जिसको हम हेजा बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, हेजा बोलते हैं। हेजा किससे होता है, विब्रियो कोलेरो से होता है, कोलेरा से, विब्रियो कोलेरा से। तो ये चीज आपको याद कि भाई कोलेरा यानी हेजा किससे होता है। उसके बाद में एक डिजीज है आपकी एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स भी आपके जूनोटिक डिजीज ही है क्योंकि ये एनिमल से फैलता है, बेसिलस एंथ्रेसिस इससे ये फैलता है। एंथ्रेक्स किससे फैलता है, बेसिलस एंथ्रेसिस, तो ये भी आपके जूनोटिक डिजीज है जो आपके किससे फैलता है, एनिमल से, है ना। जैसे किसी मक्खी ने एनिमल को काट लिया फिर वो ह्यूमन को आके काट ले, उससे हो सकता है, इनहेलेशन से भी हो सकता है ना, श्वास से भी हो सकती है बीमारी।
एक आपका होता है डिप्थीरिया, है ना, कैरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया से आपका डिप्थीरिया होता है, बेसिकली बहुत ही अजीब सी बीमारी है कि, लेप्रोसी, लेप्रोसी कुष्ठ रोग होता है आपका, है ना, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से आपका लेप्रोसी होता है, कुष्ठ रोग जिसको होता है। उसके बाद में बोटुलिज्म, बोटुलिज्म किससे होता है, क्लास्ट्रोडियम बोटुलिनम से होता है, और ये बहुत ही ज्यादा वीकनेसेस इससे आ जाती है बोटुलिज्म से, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को हो जाता है बोटुलिज्म, क्लास्ट्रोडियम, क्लास्ट्रोडियम बोटुलिनम। उसके बाद में आपका सिफिल्स, है ना, ट्रेपोनेमा पेडिलम, ट्रेपोनेमा पेडिलम से होता है, और ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना। बस इतना याद रखना है, देखो ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाता कि किससे होते हैं ये रोग और एक्चुअली में इनमें होता क्या है, बस ये दो ही चीजें याद रखनी होती है एनटी के लिए। उसके बाद में आपका ट्राइकोमा, ये आंख की बीमारी होती है ट्राइकोमा, इस तरह से हमारी आईज हो जाती है ट्राइकोमा में, है ना, क्ले माइडिया ट्रेकोमिट्स मैक्टिस से होता है आपको, जो हमारी इनर आईलिड्स होती हैं वो रफ रफनेस आ जाती है उसमें, उसको बोलते हैं ट्राइकोमा, ये आंख की बीमारी होती है। ट्यूबरक्लोसिस आप सबको पता है, टीबी, है ना, क्षय रोग बोलते हैं इसको, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से आपका फैलता है, इससे फैलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, है ना, ये फेफड़ों की बीमारी होती है बेसिकली, और इसके लिए गवर्नमेंट का एक स्कीम है डोट्स, जिसके तहत फ्री इलाज होता है, के तहत क्या होता है, फ्री ट्रीटमेंट होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल डोट्स के तहत। उसके बाद में आपका टाइफाइड, टाइफाइड किससे होता है आपका, सेल्मोनेला टाइफी, किससे होता है टाइफाइड, किससे होगा आपका, सेल्मोनेला टाइफी से आपका टाइफाइड होता है, तो भी याद रखना है आपको, सेल्मोनेला टाइफी से आपका क्या होता है, टाइफाइड होता है। उसके बाद में वुपिंग कफ, ब्रोडेटेला पर्टुसिस, वुपिंग कफ, है ना, जिसको हम काली खांसी बोलते हैं, वुपिंग कफ, इसमें आपकी नाक बहती है, नेसल कॉन्जेशन हो जाता है, स्नीजिंग आती है, रेड एंड वाटरी कफ आता है, और बहुत हल्का बुखार भी इसमें हो सकता है काली खांसी। उसके बाद में आपका आता है एड्स, है ना, एमिनो, बताओ एड्स की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से फटाफट, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से आपका होता है, इसको याद रखना, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो सकता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है, इंजेक्शन ड्रग यूज, मतलब कि जो इन्फेक्टेड ड्रग्स निडिल होती हैं, है ना, उनसे भी आपका ये एड्स है जो हो सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक आपका इन्फ्लुएंजा होता है, तो इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है आपका ये, इसमें आप सबको पता है हेडेक होता है, फीवर आता है आपका, मस्कुलर पेन होता है, जॉइंट्स में आपका दर्द होता है, तो ये देखो इनको याद रखेंगे, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे इसके बेस पे, ये जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपको याद रखनी, इसको याद रखने के लिए अभी एक प्रैक्टिस सेशन है, 20 क्वेश्चन है जो हम करेंगे, जिससे कि आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो डोंट वरी, याद आपको क्लास में ही हो जाएगा, आज ही हो जाएगा, बस उसके लिए लास्ट तक आपको सेशन देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये चीज याद होगी, है ना। एक आपका पोलियो वायरस होता है, ये आपका फूड एंड वाटर से ही फैलता है ना, और फिकल मैटर से भी आपका ये फैलता है पोलियो वायरस, इंडिया में तो ऑलमोस्ट एलिमिनेट आपका हो चुका है। चिकन पॉक्स, है ना, वेरिसीला जोस्टर वायरस से आपका चिकन पॉक्स होता है, तो ये भी आपको पता होगा। मीजल वायरस, है ना, मीजल्स और रुबेला एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हम बोलते हैं मीजल, खसरा बोला जाता है इसको। चिकनगुनिया होता है आपका,
चिकनगुनिया भी क्या है, एक वायरल डिजीज है जो कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने से आपका होता है चिकनगुनिया। डेंगू फीवर, तो डेंगू फीवर भी आपके एक वायरल डिजीज है आपका, जो कि मॉस्किटो से काटने से होता है आपका, मच्छर के काटने से होता है आपका डेंगू। ये भी आपको पता होना चाहिए कि डेंगू किससे होता है। उसके बाद में आपका रेबीज वायरस है, देखो रेबीज आप सबको पता होगा है ना, कि जैसे कुत्ते के काटने से आपका रेबीज हो सकता है। ये बहुत ही डेडली वायरस होता है जो एनिमल्स की जो स्लाइवा होती है ना उससे ही हमें फैलता है। जैसे किसी को कुत्ता काट लेता तो उससे रेबीज आपका हो सकता है। सारस कोरोना वायरस, ये हमने जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कोविड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोविड-19 को हम सार्स कोरोना वायरस भी बोलते हैं। इससे भी देखो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है सार्स कोरोना वायरस, तो इसके बारे में स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया। एथलीट फुट डिजीज होती है आपकी, ये बेसिकली क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है ना, जो कि आपका कहां से होता है, टो से स्टार्ट होता है। ये देखो ये नाम बहुत बड़ा सा है, इसको याद रखेंगे, इसका एक नाम और भी है, एपिडर्मो फाइटल फ्लोकोसम, एपिडर्मो फाइटो फ्लोकोसम, ये बीमारी है आपकी, जिसको हम एथलीट फुट डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथलीट फुट डिजीज। फिर आपका मलेरिया प्लाज्मोडियम विवेक्स है ना, ये हमने देख लिया मलेरिया को ऑलरेडी। एमीबिक डाइसेंट्री होती है आपकी, ये आपका जब फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है उससे आपका होता है ना, जब कंटामिनेटेड वाटर यानी दूषित जल को हम ग्रहण कर लेते हैं, दूषित फूड को हम जनरल लेते हैं, तब आपका एमीबिक पैचेस या डाइसेंट्री होती है। तो ये देखो ये सारी चीज है जो आपको याद रखनी है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ है ना, जिनसे हम ये सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। अब देखो ये चार के चार ऑप्शन है, ये पीवाईक्यू में ऑलरेडी आपसे पूछे गए, जो मैंने इस टेबल में है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं या करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे पीवाईक्यू में मिलेंगे। एक जैसे कोविड है वो लास्ट ईयर रेड हुआ है, वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो वायरल डिजीज है ठीक है, ये वायरस से होता है, ये सारी आपकी बैक्टीरियल डिजीज। टिटनस है ना, क्लास्ट्रोडियम टिटनी से होता है, कोलेरा विब्रो कोलेरे से होता है, टाइफाइड सेल्मोनेला टाइफी से होता है, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो पढ़ने के लिए, रिविजन के लिए ये बेस्ट पीपीटी है। आपसे पूछ ले कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, तो टिटनस कोलेरा टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, ये आपके बैक्टीरियल डिजीज। कौन से डिजीज हैं? बैक्टीरियल डिजीज जो मैंने अभी हमको आपको पढ़ाई है। इसके बारे में, इसके बाद में जैसे आपको से कोई पूछे कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, तो आप बता सकते हैं मलेरिया होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है, डायरिया होता है, काला अजर होता है, एम्बियोसिस होता है, एम्बियोबाइसिस होता है, ये आपके प्रोटोजोआ से होता है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं, वायरस से कौन से रोग होते हैं, बैक्टीरिया से कौन से, तो ये चीजें आपको पता। आप देखो जितनी भी चीज हमने पढ़ी है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है सबको। अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी होगा प्लस आपका और लर्न भी हो जाएंगे चीजें जो क्लियर नहीं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, एक बार थोड़ा सा शेयर करो यार क्लास को, काफी कम स्टूडेंट मुझे दिख रहे हैं अभी। ठीक है, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए इसको सबको। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नार्कोलेप्सी डिजीज है वो क्या है, रिलेटेड टू, किससे संबंधित है नार्कोलेप्सी, जिससे बहुत सारे लोग हैं जो ग्रसित हैं ना, आप में से भी बहुत सारे लोग हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके ये होता है, आपका बहुत सारे लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि सर ये हो रहा है हमारे साथ।
ड्यूरिंग एग्जाम के टाइम पे तो काफी होता है ये। कंपल्सिव स्टीलिंग हैबिट्स, फॉरगेटिंग डिसऑर्डर, फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ एपाइलेप्सी यानी मिर्गी की दौरे, या एक्सेसिव स्लीपिंग डिसऑर्डर। बताओ सही आंसर क्या है। नार्कोलेप्सी जो रोग है वो किससे संबंधित है? तो नार्कोलेप्सी जो रोग है वो किससे रिलेटेड है? वो देखो, एक क्या है आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर है ना, नार्कोलेप्सी एक कंडीशन है जहां पे मतलब बैठे बैठे नींद आ जाती है ना। दिन में भी सोने का मन करता है, रात में भी सोने का मन करता है, जब करे तब सोने का मन करता है ना। हो रहा है ना बहुत सारे लोगों के साथ में, तो डे टाइम स्लीपिंग आती है ना, और दिन में भी सो जाओगे आप है ना, रात में भी सो जाओगे, तो ये क्या है आपका नार्कोलेप्सी बोल रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। इसको याद रखो सब लोग, क्लियर है? तो ये क्या है, एक्सेसिव स्लीपिंग डिसऑर्डर, अत्यधिक नींद विकार, नार्कोलेप्सी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई इटाई डिजीज है वो किससे होती है? इटाई इटाई रोग का कारण क्या है? मर्करी, कैडमियम, आर्सेनिक या नाइट्रेट? बताओ इटाई इटाई जो डिजीज है वो किसके कारण होती है? मर्करी के कारण होती है, कैडमियम के कारण, आर्सेनिक के कारण, या नाइट्रेट के कारण? आर्सेनिक किससे होता है? हमने पहले भी पढ़ा है, कैडमियम से होता है। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है वो कैडमियम से होती है, कैडमियम से आपका इटाई इटाई डिजीज होता है। पहली बार 1960 में जापान में इसको डिस्कवर किया गया है ना। अब ये होता क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्रीज से आपका जो कैडमियम है वो निकलता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारा बोन में दर्द होता है, मतलब हड्डियों में आपका दर्द होता है इटाई इटाई से। और इसका एक नाम और है, रेनल ट्यूबुलर फेलियर भी इसको बोलते हैं, रेनल ट्यूबुलर फेलियर। तो ये आपका कैडमियम हो गया। अब देखो कैडमियम की तरह ही और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनको आपको याद रखना, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं आपके। देखो तीनों के तीनों सवाल हैं जो एनटीए यूजीसी के एनडी के द्वारा पूछे गए, पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा है। मर्करी मिनामाटा, मर्करी से मिनामाटा डिजीज होती है, आर्सेनिक से आपका ब्लैक फुट डिजीज होता है, एंड नाइट्रेट से आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और ठीक है, ये हमने देख लिया, मर्करी, मीनामाटा, आर्सेनिक, ब्लैकफुट, नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, और हमने इटाई इटाई जो अभी किया है, इटाई इटाई किससे होता है? कैडमियम से। इटाई इटाई किससे होगा? कैडमियम से। तो इसको जरूर याद रखिए। नाउ नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इन्फ्लुएंजा जो रोग होते हैं वो किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं, वायरस से होते हैं, फंगिस से होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं? देखो मैंने बोला था ना इस तरह के क्वेश्चन आपके निकलते हैं, तो बताओ सब लोग, एवरीवन इसका आंसर दीजिए। इन्फ्लुएंजा जो डिजीज होती है वो किससे होंगी? आप बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या प्रोटोजोआ? तो इन्फ्लुएंजा रोग किससे होते हैं आपके? तो वायरस से इससे होते हैं, किससे होते हैं? वायरस। आप देखो जो इन्फ्लुएंजा रोग है उनके उदाहरण क्या क्या है, एग्जाम में ऑलरेडी ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया है आपसे। देखो आज की क्लास जिसने मिस की है ना वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, स्पेशली एनवायरमेंट में, क्योंकि ये टॉपिक है ये लेस देन 10%
एजुकेटर ने कवर किया है, जैसा कि मैंने सर्च किया था, मुश्किल से आपको दो तीन क्लासेस मिलेंगी एनटी कैटेगरी में जिसने एक टॉपिक कवर करवाया है। और ये आपको पूरा का पूरा एक ही सेशन में पूरे डिजीज आपको कवर हो रही है, इसको आपको लेना चाहिए था। बाकी स्टूडेंट को भी बोलना कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर कवर करो आपसे। नाउ ये आपकी इन्फ्लुएंजा डिजीजेस है, जो किससे होती है, वायरस से होती है, वायरस से होती है ना, जैसे ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, फंगल इन्फेक्शन फंगस से होता है आपका, और मलेरिया किससे होता है आपका, प्रोटोजोआ से होता है। तो ये आप देख रट लो इसको, बहुत अच्छे से याद करो। टीबी बैक्टीरियल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज है आपकी, वायरस से होती है आपकी, फंगल इन्फेक्शन फंगस से होता है आपका, और मलेरिया जो होती है वो प्रोटोजोआ से होती है। मलेरिया किससे होती है, प्रोटोजोआ से, उसको याद रखो। नाउ अब आपसे पूछे कि चिकनगुनिया है वो किससे होता है, जल्दी से बताओ। चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया जो रोग है वो किससे होता है, नॉन क्लोरोफाइलस बैक्टीरियम, नेमेटोड, वायरस और फंगस, बताओ। चिकनगुनिया जो रोग है वो किससे होता है, चिकनगुनिया जो रोग है वो किससे होता है, तो गाइस चिकनगुनिया जो होता है वो किससे होता है आपका, वायरस। किससे होता है आपका, वायरस से होता है, बी इज द करेक्ट आंसर, चिकनगुनिया वायरस से होता है। विरिनियोन है आपका, उससे होता है, व्रीनियोन से आपका क्या होता है, चिकनगुनिया होता है, इसको हाँ पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट, चिकन पॉक्स वायरस जो है उसका नाम क्या है, बताओ। चिकन पॉक्स जिस वायरस से होता है उसका नाम बताना है। वन टू थ्री या फोर, चिकन पॉक्स वायरस है उसका नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये प्रश्न है जो आपको याद रखना। चिकन पॉक्स वायरस है उसका नाम आपको बताना। तो वर्सिला जोस्टर वायरस से आपका चिकन पॉक्स होता है, किससे होता है, वर्सिला जोस्टर वायरस, वर्सिला जोस्टर वायरस है जिससे आपका क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है। बाकी देखो कोलेरा का आप सबको पता है, कोलेरा किससे होता है, हीजा विब्रियो कोलेरे, टाइफाइड किससे होता है, बेसिलस टाइफस, एम्बियासिस किससे होता है, एंटामोबिया स्टोलाइटिका ना, तो ये चीजें आपको याद रखें। अब नेक्स्ट, बीसीजी का जो इंजेक्शन वैक्सीन है जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगती है, किसके द्वारा डेवलप की गई थी, बीसीजी का जो इंजेक्शन है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, एडवर्ड जेनर, जोनाक साल्क एंड अल्बर्ट साबिन, अल्बर्ट किलमिट एंड कैमिले बुरइन, लाउस लुईस पाश्चर, बीसीजी का जो वैक्सीन है इसके द्वारा डेवलप किया गया था, जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाया जाता है ना, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो कौन सा वैक्सीन है, आप किसने डेवलप किया, ये आपका डेवलप किया गया था अल्बर्ट केलमेट और कैमिले ग्यूरिन, अल्बर्ट केलमेट और कैमिले ग्यूरिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीसीजी का वैक्सीन है वो किस वैक्सीन किसके द्वारा डेवलप की गई थी।
ऐसे ही देखो, आपको COVID-19 की जो वैक्सीन है, अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो COVID-19 की वैक्सीन भी आपको पता होनी चाहिए कि COVID-19 की कौन कौन सी वैक्सीन है और इंडिया के द्वारा कौन सी डेवलप की गई है, इंडिया के द्वारा बनाई गई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद कर लेना कि COVID-19 की कौन कौन सी वैक्सीन है और भारत के द्वारा कौन सी बनाई गई है ना। जैसे स्पुतनिक स्पुतनिक है, और रशिया की है आपका, है ना, इंडिया की भी है और देशों की भी है, लेकिन इंडिया की आपको पता होनी चाहिए स्पेशली। नाउ द नेक्स्ट, डेंगू जो है वो किससे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, पोल्यूशन से? बताओ। डेंगू इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या पोल्यूशन? डेंगू किससे होता है? ये देखो PYQ भी है, हाँ। पूछा गया था कि डेंगू किससे होता है, लेकिन उसमें ऑप्शंस थोड़े अलग थे बस। तो आंसर क्या है आपका? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वायरस से, डेंगू वायरस से होता। ये क्या है? मॉस्क्यूटो बोन वायरल डिजीज है, मॉस्क्यूटो से फैलता है ना, और ये फीमेल मॉस्क्यूटो होती है, मादा जो मच्छर होता है एंड एडिस अगैप्टी, इससे ये फैलता है ना, ये वायरल डिजीज है, ये क्या है? वायरस से फैलता है। ये किससे फैलता है? वायरस। और वो फैलाया किसके द्वारा जाता है? फीमेल मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। नेक्स्ट, इंफेक्शन विद H5N1 लीड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? H5N1 के संक्रमण से निम्न में से कौन सा रोग होता है? ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। H5N1 से कौन सा रोग हो सकता है? HIV, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू या फोल कॉलेरा, जो मुर्गियों या में जो हीजा होता है। H5N1 क्या है आपका? बर्ड फ्लू का नाम है। देखो एक बार, ये भी बहुत ज्यादा फैला था इंडिया में, अगर आपको पता हो, है ना, तो बर्ड फ्लू का ही नाम है H5N1। अब देखो दो तीन चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं। बर्ड फ्लू हो गया आपका, एक आपका आता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू भी एक बार काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, तो स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से फैलता है। तो बर्ड फ्लू किससे फैलेगा? H5N1। और स्वाइन फ्लू किससे फैलता है आपका? H1N1। H1N1 इसको याद रखिए, दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बर्ड फ्लू H5N1 और स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस। Which of the disease is caused due to an extra 21st chromosome? Down syndrome, Patau syndrome, Prieto-Chat syndrome या Klinefelter syndrome? देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीप में शायद नहीं पूछे ये वाला क्वेश्चन तो, बट फिर भी अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। तो डाउन सिंड्रोम होता है। कई बार आपने सुना होगा कि डाउन सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम किससे होता है? एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम से आपका क्या होता है? डाउन सिंड्रोम क्या होता है?
डाउन सिंड्रोम, एक्स्ट्रा 21st क्रोमोजोम से आपका क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट, हाइपर मेट्रोपिया, एक देखो रोग होता है मायोपिया, ये आंखों के रोग है। एक हाइपर मेट्रोपिया है, ये क्या है, आंखों के रोग होते हैं ना जनरली, जैसे आपके जो चश्मे चढ़ते हैं, हमारे जो ग्लासेस लगते हैं, लेंस हम लगाते हैं, वो इन्हीं दो रोगों के कारण लगवाते हैं, मायोपिया हाइपर मेट्रोपिया। तो आप हमें ये बताइए कि कौन सा हाइपर माइट्रोपिया किस कंडीशन में बोलते हैं। देखो बहुत सिंपल सी चीजें, बहुत जनरल नॉलेज की चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अपनी बॉडी के बारे में। हाइपर माइट्रोपिया कब होता है, तो मायोपिया हाइपर माइट्रोपिया कब होता है आपका, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू स्मॉल, जब हमारे फोकल लेंथ है आई लेंस की जो वो छोटी हो जाती है, तब आपका हाइपर माइट्रोपिया होता है ना। जनरली इसमें क्या होता है कि आपका हाइपर माइट्रोपिया, हाइपर ओपिया भी बोलते हैं, जिसमें मेक्स द आई सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नोट द ऑब्जेक्ट क्लोज। देखो दो चीजें होती है, मायोपिया होता है, देखो ध्यान से सुनने वाले लोग, एक हाइपर माइट्रोपिया या हाइपर ओपिया होता है। इसमें दूर की चीजें हैं वो हमें दिख जाती हैं, लेकिन क्लोज की चीजें नहीं दिखती। मायोपिया में क्या होता है, दूर की नहीं दिखती, की नहीं दिखती है। और हाइप्रोपिया में क्या होता है, हाइरोपिया में क्या होता है आपका, पास की नहीं दिखती। अभी आया यार, मायोपिया क्या है आपका कि दूर की चीज नहीं दिख रही है, और हाइपरमेट्रोपिया जो हाइप्रोपिया में होता है उसमें पास की नहीं दिखती। बस दो चीजें याद रखनी, पास और दूर का सिस्टम। बीसीजी वैक्सीन है वो किसके रोग के लिए दी जाती है, टीबी, हेपेटाइटिस, कोलेरा या टिटनस। बीसीजी की वैक्सीन है वो किसके लिए दी जाती है, टीबी की रोकथाम के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, कोलेरा के लिए या टिटनस के लिए। बताओ, सब लोग दीजिए इसका आंसर, टीबी, हेपेटाइटिस, कोलेरा या टिटनेस। वन, टीबी के लिए दी जाती है, है ना, के लिए दी जाती है, टीबी के लिए तो दी जाती है बीसीजी का इंजेक्शन। टीबी होता किससे है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। टीबी होता किससे है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी की रोकथाम के लिए कौन सा इंजेक्शन, बीसीजी का इंजेक्शन। टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का इंजेक्शन। और टीबी होता किससे है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत सारी जगह से आपको ढूंढना पड़ता, मैंने एक साथ ही आपको दे दिया है ये सारा। ये आपकी बीमारियां हैं और ये उनके लिए लगने वाले इंजेक्शन। चिकन पॉक्स, वर्सेला, वरीसेला वैक्सीन होती है, मीजल, मम्स और रूबेला के लिए एमएमआर वैक्सीन होती है, पोलियो के लिए इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है या ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, जो हमें दी जाती थी, वो दवाई पिलाई जाती थी ना पोलियो की, दो बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन उसका एड करता था पहले, है ना, तो वो क्या होता था, ओरल पोलियो वैक्सीन। एक टीका भी लगता था पोलियो का,
इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए बीसीजी वैक्सीन लगती है, टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन लगती है आपकी, बीसीजी की वैक्सीन। चलो बताओ कोलेरा जो है वो किससे होता है, इसमें पूछा गया है कि हेजा का कारण क्या बनता है, कौन सा बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, किससे होता है कोलेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कोज कोलेरा, कोलेरा जो होता है वो किससे होता है, ये आपको बताना। तो बता दीजिए सब, कोलेरा जो है वो किससे होता है, कोलेरा जो है वो आपका किससे होता है, विब्रियो कोलेरा, ये बैक्टीरिया से होता है ना, बैक्टीरिया से होता है, ये आपको पता होना चाहिए, किससे होता है, बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल डिजीज है, विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया से होता है। अच्छा ये भी देखो आपने बहुत सारे एग्जाम में देखा होगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोज नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस है वो कौन सी विटामिन की कमी से होती है, विटामिन ए, बी, सी या विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन सी या विटामिन ई, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम बोलते हैं रतौंधी, तो रतौंधी है वो कौन सी विटामिन की कमीशन से होती है, तो रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस आपका विटामिन ए की कमी से होती है ना, इसलिए तो बोला जाता है भाई कैरेट खाओ है ना, मिल्क लो, अंडे खाओ है ना, फिश खाए, उससे क्या होती है कि विटामिन ए की कमी है वो दूर हो जाती है। तो ये देखो अलग अलग आपके विटामिन्स हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग, तो एक तो देखो डी का आपको याद रखना है रिकेट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एनडी में पूछा गया था कि रिकेट्स किससे होता है, विटामिन डी की कमी से है ना, और विटामिन सी से स्कवरी रोग होते हैं, ये क्वेश्चन का भी कई बार पूछा गया है, स्कवरी रोग किससे होता है, एक विटामिन बी सिक्स की कमी से एनीमिया हो जाता है हमारा, विटामिन बी वन की कमी से आपका बेरी बेरी रोग होता है, क्या होता है, बेरी बेरी रोग, ये भी आपसे पूछा गया है एग्जाम, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको अच्छे से रिवाइज करके जाना जब भी एग्जाम देने जाओ, कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो जहां पे जीके या जीएस आता है वहां पे ये इंपॉर्टेंट है आपके, कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। उस बैक्टीरिया का नाम बताओ जिससे आपका क्या होता है, डाइसेंट्री, कौन उस बैक्टीरिया का नाम बताओ जिससे आपके डाइसेंट्री, नेम द बैक्टीरिया डेट कोजेस डाइसेंट्री, तो डाइसेंट्री किससे होता है आपका, सिगिला, डाइसेंट्री किससे होती है आपकी, सिगिला से होती है। सिगिला बैक्टीरिया से, और सिगेली इकोलाई के जैसे ही होता है, इकोलाई भी एक क्या है, बैक्टीरिया है जो लीवर में इंफेक्शन करता है, इंटेस्टाइन, वाटर बोन डिजीज कौन सी, ये भी आपका पीवाईक्यू एनडीए में पूछा गया है आपका, इनमें से जल जनित रोग का उदाहरण कौन सा है, डिप्टीरिया है, टॉन्सिल्स है, डायरिया है या मीजल्स है, इसमें
जल जनित रोग कौन सा है? पद्रासक। एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर बोन डिजीजेस, डिप्टीरिया, टॉन्सिलिटिस, डायरिया, मीजल्स। एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर बोन डिजीज, डिप्टीरिया है, टॉन्सिलिटिस है, डायरिया है या मीजल्स है? आंसर क्या है इसका? वाटर बोन डिजीज डायरिया है। डायरिया, ठीक है, डायरिया होता है, इज द करेक्ट आंसर। अब आपसे पूछे कि भाई जल जनित जो रोग होते हैं उनके नाम बताओ। वाटर बोन डिजीज, जल जनित रोग, वाटर बोन डिजीज। आपको पता होना चाहिए, जैसे कुलेरा है आपका, टाइफाइड है, डायरिया है, हेपेटाइटिस ए है। तो आपसे पूछे तो बता देंगे ना नाम, किससे कौन कौन से होते हैं? कोलेरा है ना, टाइफाइड जो कि किससे होता है, पानी दूषित जल से होता है, तीसरा आपका डायरिया हमने अभी पढ़ा, एक आपका हेपेटाइटिस ए। ये क्या है? जल से होने वाले रोग है, ये सारे के सारे क्या है? जल जनित रोग है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए आपसे कि भाई जल जनित रोग कौन से? कोलेरा, टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस से। आर्थराइटिस किन है? किडनी है, लीवर है या जॉइंट्स? आर्थराइटिस होता है ना, जनरली ओल्ड एज में होता है ये आपका, आर्थराइटिस घटिया बीमारी जिसको होता है। किडनी, लीवर या जॉइंट्स, आर्थराइटिस किस में होता है? जॉइंट्स में होता है जनरली, ओल्ड एज में होता है, जॉइंट्स में पेन होना वो आर्थराइटिस। ठीक है, चल देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे पूछे कि भाई स्किन के रोग कौन कौन से होते हैं, त्वचा संबंधित रोग कौन कौन से हैं। आपसे पूछ ले किडनी से रिलेटेड कौन से रोग होते हैं, आपसे पूछ ले कि लीवर से रिलेटेड कौन से रोग होते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपकी जनरल नॉलेज के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्किन के लिए, किडनी के लिए, लीवर में कौन कौन सी बीमारी आपकी हो सकती है। ना जैसे आपसे किडनी का पूछे तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज है, ये भी आपका किडनी का रोग है। हाई ब्लड प्रेशर होना, ये आपका किडनी का रोग है ना, ये सब। चलो इसका आंसर दीजिए। अ पर्सन विद वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 इज सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस या बेरीबेरी? अ पर्सन विद वीक मसल्स एंड अ वेरी लिटिल एनर्जी हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 इज सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस या बेरीबेरी? तो आंसर इज 4, बेरीबेरी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। तो ये आपको पता होना चाहिए, विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी क्या होता है? इससे हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो हार्ट अटैक आने के क्या होता है, खतरा होता है बेरी बेरी से।
नाउ द नेक्स्ट, है ना, ये सारे के सारे विटामिन्स हैं जिनकी कमी से ये रोग होते हैं। मिनामाटा डिजीज किससे होती है? मर्करी से, कैडमियम से, कोबाल्ट से या फर्टिलाइजर से? ये भी आपका पीवाईक्यू है जो एनटी में पूछा गया है आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि जो मिनामाटा है डिजीज वो किससे होगी? मर्करी से होगी, कैडमियम, कोबाल्ट या फर्टिलाइजर से? कंपाउंड्स ऑफ मिनामाटा डिजीज, मर्करी, कैडमियम, कोबाल्ट या फर्टिलाइजर्स? मर्करी है, ये बुध नहीं है यार, इसको मर्करी कीजिए। पारा, आंसर क्या है आपका? ई, मर्करी। मिनामाटा डिजीज किससे होती है? मर्करी से होती है, और पहली बार ये जापान में मिली थी मीना, है ना, इसलिए इसका नाम मीनामाटा पड़ गया। जापान का एक शहर है जिसका नाम है मीनामाटा, वहीं से इसका नाम पड़ा मीनामाटा डिजीज। इटाई इटाई हमने देख लिया कैडमियम से होता। फोटोफोबिया जो रोग है वो किसके कारण होता है? फोटोफोबिया, विटामिन B1, B12, B4 या B6? फोटोफोबिया इज कॉज्ड बाई द डेफिशियंसी ऑफ, फोटोफोबिया जो रोग है इसकी कमी के कारण होता है। फोटोफोबिया इज कॉज्ड बाई द डेफिशियंसी ऑफ B1, B12, B4 या B6? एवरीवन जल्दी जल्दी आंसर करो सब लोग। फोटोफोबिया जो रोग है वो किसके कारण हो सकता है? तो देखो, फोटोफोबिया जो हो सकता है वो आपका B12 के कारण होता है। किसके कारण? B12, ठीक है, B12। मलेरिया एंड काला आजार ये किसके कारण हो सकता है? बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोवा से या वायरस से? स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग के स्लाइड में, मलेरिया और कालाजर किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण, प्रोटोजोवा के कारण या वायरस के कारण? एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। मलेरिया, कालाजर, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोवा या वायरस? तो आंसर इज प्रोटोजोवा के कारण। ठीक है, प्रोटोजोवा के कारण। अब जैसे मैं बात करूं मलेरिया की, तो मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। कालाजर किसके कारण होता है? लाइसिमानिया डोनोवान, है ना, और सैंड फ्लाई के कारण ही आपका फैलता है। कालाजर किससे फैलता है? सैंड फ्लाई। एंड आपका जो मलेरिया है वो किससे फैलता है? जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं एनोफ्लीज मॉस्किटो, उससे फैलता है। तो देखो, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम्स मतलब मलेरिया प्लाज्मोडियम से होती है, कालाजर जो होता है लाइसमानिया डोनोवानी और सैंड फ्लाई इसको फैलाता है। तो ये आपको पता होगा ना। अब ये देखो, लास्ट में रिवीजन है आपका, आपको पता होना चाहिए वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है। ये सारी वायरस से होती है, इन्फ्लुएंजा, एड्स, डेंगू फीवर, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मम्स, ये आपका किससे होता है? वायरस से, वायरस से होने वाले रोग। ये बैक्टीरिया से होते हैं जैसे प्लेग, कोलेरा, डिप्थीरिया, साइफिल्स, टिटनस, टाइफाइड, ये किससे होंगे? आपके बैक्टीरिया से होंगे। और फंगस, फंगस से क्या है आपका? रिंगवर्म हो सकता है, स्कैबीज हो सकती है, एटलीट फुट डिजीज होती है, कैंडिडियासिस हो सकती है आपकी, ये आपकी फंगस से होने वाले रोग। ये वायरस से, ये बैक्टीरिया से और ये फंगस से होने वाले।
तो गाइस ये था आज का सेशन, और आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए सब लोग। एवरी वन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। और नेक्स्ट सेशन जो है आपका वो है 4 PM पेपर वन की स्पेशल क्लास। आज 4 PM पे आपकी क्लास है, पेपर वन स्पेशल क्लास, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे 4 बजे पेपर वन की स्पेशल क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये 29 तक आपका एक्सटेंड हो चुका है, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है सब्सक्रिप्शन लेने में, आप कोड यूज करें Q10। Q10 कोड को यूज करेंगे तो इंस्टेंट आपको डिस्काउंट वो मिल जाएगा। ये आपके प्लस के प्लान है, ये आपके आइकोनिक के प्लान है। 24 मंथ, 12 मंथ और 6 मंथ के बेस्ट प्लान है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड जैसे ही लगा देंगे तो 20% डिस्काउंट है वो आपको अभी मिल जाएगा जितने भी सब्सक्रिप्शन प्लान है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो जाते जाते एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे कि आप सबको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलते हैं, है ना। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।